देखो ट्राई करते हैं। थ्री में, वन में नहीं। हाँ मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री। टू एंड थ्री। टू में क्या बोल रहा है देखो जरा। टू कह रहा है कि इफ द जॉइंट डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इज, सो एफ ऑफ एक्स वाई जो है दैट इज 1/8। जब इस तरह से है, क्या क्या है पॉइंट, पॉइंट या तो एक्स जीरो या जीरो माइनस वाई है, सच दैट एक्स वाई ये ले सकता है। मतलब पॉइंट्स की वैल्यूज क्या क्या है देख लो, पॉइंट्स क्या क्या है। तो पॉइंट्स ये है कि लाइक जीरो कॉमा, जैसे जो भी पॉसिबल वैल्यूज है ना पुट कर लो, तो एक्स वाई ये वैल्यूज ले सकता है। तो लाइक कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट टोटल, 8 पॉइंट होंगे ना। Yes, sir. हाँ वो जैसे माइनस टू जीरो जैसे हो गया, माइनस वन जीरो टू जीरो ये हो गया, या जैसे तो ये हर पॉइंट पे ये बोलो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा बोल देता हूँ मैं कि यूनिफॉर्म है ना। तो ये जो पॉइंट तुम्हारे पास हर पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी ना, 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट क्या है, ये तो राइट में जीरो वाला हो गया। ऐसे यही चीज है जैसे हो गई कि 0-2, 0-1, 0-1 एंड 0-2 इस तरीके से है। तो ये हमारे पास टोटल 8 पॉइंट हो गए और 8 ईच पॉइंट पे मास 1/8 है। तो पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, आर एक्स वाई इंडिपेंडेंट। तो देखो सबसे पहले क्या है, ओके तो आप ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो इसमें क्या है कि मुझे ये जो 8 पॉइंट है इन पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स वाई, तो मतलब ये समझ लो कि एक्स वाई का जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है ओवर दीज 8 पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस सेट पे, या इसका नाम कुछ रख दो इस सेट का, तो सपोज दिस इज सेट एस, तो सेट एस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं x का मार्जिनल निकालता हूं, मान लो x इज इक्वल टू जैसे मैं 0 फाइंड करूं, तो देखो ऐसे कितने पॉइंट है जहां x 0 है, 4 पॉइंट है, कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, मतलब 4/8 1/2 आ जाएगी। अच्छा मतलब y के रिस्पेक्ट में समेशन कर दिया। अब और x की क्या वैल्यू पॉसिबल है, जैसे x बराबर, अब आगे है कि x बराबर 1, तो 1 कितनी बार है 1/8, x बराबर 2 1/8, x बराबर -1 1/8, x बराबर -2 1/8, और यही डिस्ट्रीब्यूशन y का भी रहेगा सेम ही। तो ये हो गया कि x और y जो है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सेम ही प्रोसेस मैं y के लिए भी करूंगा कि y 0 कितनी बार है 4 पॉइंट पे, फिर बाकी पॉइंट पे y है ना अलग अलग वैल्यू ले रहा है। तो yes, तो मेरे पास क्या हो गया, ठीक है, तो ये तो ये आपका डेफिनेशन है। अब जैसे मान लो पहला पॉइंट में तो 0 0 0 रहता रहेगा, तो ये तो टोटल 0 ही आ जाएगा है ना, क्योंकि ये हमेशा 0 रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई हर हर सपोर्ट में जितने पॉइंट है वहां पे x into y 0 ही है, तो ये तो 0 हो गया। ओके हाँ सर, x y दोनों के समेशन ना होगा रिस्पेक्ट में, केवल x के, हाँ दोनों के रिस्पेक्ट में, दो बार लिखना है वो मैं एक बार ही लिखा हूँ, समेशन दोनों के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन क्या करेंगे आप, पुट करेंगे जैसे 0 into 2, पहले रखेंगे 0 into 2 प्रोबेबिलिटी एट 0 2, ऐसे करके हर पॉइंट पे, तो प्रोडक्ट एट लास्ट 0 ही हो जाएगा। ये है मतलब करने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 into -2 इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस 0 into -1 into 1/8 प्लस 0 into 1 into 1/8 प्लus 0 into 2 into 1/8 प्लस -2 into 0 into 1/8 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये अब ex अलग से निकाल लो, ex क्या होगा अलग से फाइंड करो, तभी 0 ही आएगा आई थिंक, चेक करो है ना। तो ex, ex का डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, ex का PMF है ये, तो यहाँ से ex निकालोगे 0 आएगा, ey निकालोगे 0 आएगा,
तो ई एक्स बी जीरो ई वाई, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस क्या हो गया एक्स वाई का, ठीक है ना, ये जीरो हो गया, तो कोवेरियंस जीरो हो गया, तो क्या हम बोल सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है? No, sir. तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, हमें चेक करना पड़ेगा अलग से, तो हमें इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन यूज करना होगा। अब कोवेरियंस जीरो गारंटी नहीं देता है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे अब डेफिनेशन लगाना पड़ेगा, तो हम इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। सो इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या है, देखो जरा ध्यान से। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा पॉइंट है सपोर्ट में जहां जीरो जीरो दोनों अवेलेबल हो? Yes, sir. नहीं नहीं चेक करो उसमें। No, sir, नहीं है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जीरो जीरो है, नहीं है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। बट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू जीरो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू जीरो ये कितनी आएगी? तो ये 1/2 × 1/2 × 1/4 हो जाएगी। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, तो इसका मतलब है कि x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट कब होता, जब जॉइंट PMF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PMFs। तो यहाँ पे जॉइंट PMF 0-0 पे, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PMF 0-0 पे, 1/4 इक्वल तो है ही नहीं, तो एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है एक्स वाई यहाँ पे, और कोवेरियंस जीरो है इसका। नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, कि सपोज अ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट आईआईडी है, जेड बराबर एक्स प्लस वाई है, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1/3 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सो थर्ड क्वेश्चन जो है एक्स वाई आईआईडी है, ठीक है ना, तो एक्स एंड वाई आर आईआईडी और जेड बराबर ए एक्स प्लस वाई है, अब तुमसे बोल रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड जेड ये 1/3 है, तो मतलब इसको ठीक से लिख लो, कोवेरियंस बिटवीन एक्स जेड अपॉन रूट अंडर वेरियंस एक्स इनटू वेरियंस जेड इज इक्वल टू 1/3। अब इसको सिंपलीफाई करो ठीक से, तो यहां से इसको ओपन करो, जेड को वापस रख दो जो वैल्यू है, सो कोवेरियंस बिटवीन एक्स जेड की जगह रख लो ए एक्स प्लस वाई अपॉन रूट अंडर वेरियंस एक्स, क्या है अभी पता नहीं है ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, तो वेरियंस ऑफ एक्स इनटू, चलो एक ही में लिख देता हूं, यहां हो जाएगा वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3। इसको ओपन करो भाई, तो ओपन करोगे तो आ जाएगा कोवेरियंस एक्स ए एक्स प्लस कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन, यहां से वेरियंस एक्स, चलो मान लो सिग्मा स्क्वायर बोल देता हूं, इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि आईडी है तो सेम ही वेरियंस रहेगा दोनों का, और ऐसे भी जरूरत नहीं है वाई, अच्छा एक मिनट, ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर ना, ये तो इसका हो गया, इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस वाई का वेरियंस सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो है, तो आगे इक्वल टू 1/3। दिस इंप्लाइज ए यहां बाहर कर लो, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, कोवेरियंस तो जीरो होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, आईआईडी है ना, तो इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। अब फाइनली इसको सिंपलीफाई कर लो, तो ये फाइनली रूट अंडर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर टाइम सिग्मा स्क्वायर, चेक करो सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकालो, सिग्मा की पावर 4 1 प्लस ए स्क्वायर, सिग्मा की पावर 4 का रूट सिग्मा स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर रूट में रह गया एंड इक्वल टू 1/3। अब चेक कर लो यहां से आ नहीं जाएगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, तो बचा ए अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर, ये 1/3 है, तो यहां से ए निकल जाएगा, ठीक है, यहां से फाइंड करो ए की वैल्यू, तो सिंपलीफाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ए की वैल्यू निकालो, तो ए आ जाएगा ना, ये प्रसन्ना साहू वाली बुक का वो है ना एग्जांपल, एक साइड का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करो, तो यहां कोरिलेशन का डेफिनेशन यूज किया,
कोवेरियंस की प्रॉपर्टी आईआईडी था तो इंडिपेंडेंट भी है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो वेरियंस इक्वल है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरियंस इक्वल है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनके आगे जो क्वेश्चन है, अब किसका रह गया, ये मनीष ने भेजा है, क्या है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ रूट ऑफ द पॉलीनोमियल। ये क्वेश्चन ऐसे दो तीन बार मैं पहले भी कर चुका हूँ डाउट क्लास में, देखो तो ये सब बिगिनर लोग हैं जो पहली बार शुरू करते हैं फिर ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 2005 का क्वेश्चन है ना, ये शायद 2005 में आया हुआ है, ठीक है। ये देखो, सो फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल x5 प्लस x3 माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें कितने रूट्स होंगे तो कैसे डिसाइड करोगे, तो देखेंगे कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ये, मतलब हाँ fx बराबर 0 कितने पॉइंट पे है, तो ठीक है ना, इसको अभी कैसे, अभी पता नहीं चलेगा, हाँ f डैश x निकालो, 5x4 प्लस 3x2 माइनस 2 है, तो माइनस 2 की वजह से स्टेप इंक्रीजिंग नहीं, अगर प्लस 2 होता तब रहता, माइनस 2 की वजह से स्टेप इंक्रीजिंग नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फैक्टराइज कर लो, तो 5 दूने 10, तो ये 5x4 5x2 माइनस 2x2, ऐसे मैं कई बार सॉल्व किया हूँ, जैम पूछा 5 का है ये, तो 5x2 कॉमन ले लो, x2 प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लो, x2 प्लस 1, तो फाइनली x2 प्लस 1 बाहर और 5x2 माइनस 2। अब ये तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हो, f डैश x को 0 पुट करते हो, तो ये तो 0 होगा नहीं कभी भी, तो यही 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको समझ आया कि रूट अंडर 5/2 x की वैल्यू, मतलब इस फंक्शन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, और ये ऑड डिग्री का फंक्शन है ना, ऑड डिग्री का, इसका मतलब ये हुआ कि x जब इन्फिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, x जब माइनस इन्फिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, यही है। तो यहाँ से ग्राफ तुम इसका बना सकते हो रफली, तो ग्राफ बनाओगे जिसके 2 क्रिटिकल पॉइंट है, माइनस रूट 5/2 एंड प्लस रूट 5/2। अब ये अब तुम्हें देख, हाँ सर अंडर रूट 2/5 है, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ओके ओके थैंक यू, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2/5 ओके, अब तो यहाँ भी 2/5 होगा ना, हाँ ये थोड़ा ध्यान देना, ये सिली मिस्टेक्स ना उससे भी होते हैं काफी, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट अब आपको चेक करना है कि तो साइंस की बना सकते हो, वैसे तो तुम चाहो तो साइंस की बना लो एफ डैश एक्स का, तो साइंस की बनाओगे एफ डैश एक्स का, तो ये माइनस 2/5 प्लस 2/5 एक्चुअली, तो ये माइनस में 2/5 प्लस में 2/5, तो ये आ जाएगा, और इसमें क्या है कि जब चेक कर लो, जब x की वैल्यू है ना यहाँ पे, चूंकि इसका दो ही रूट है ना, तो प्लस माइनस प्लस ऐसा हो रहा होगा, मतलब अगर वैल्यू में इससे ज्यादा कोई वैल्यू लो, जब बीच में जीरो है, जीरो ढक के देख लो तो नेगेटिव आएगा, इधर लोगों पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बना रहा हूं मैं, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, तो ये क्या बनाया मैंने, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसमें, तो x की वैल्यू माइनस से बढ़ी होगी तो माइनस से बढ़ी जाएगी। अब तुम्हें इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा ग्राफ कहां से जाएगी, तो यहां पे बस यही काम मेन रहता है कि तुम फंक्शन की वैल्यू निकालो इस पॉइंट पे 2/5 पे और इसके नेगेटिव पे, ताकि ये समझ आए कि इस पे वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू यहां है या यहां है, इस पे यहां है या यहां है, ताकि हम ग्राफ बना सके, तो बस यही यहां पे बस वो है ट्रिक है। तो इसमें बस एक बार आप चेक करना पड़ेगा, मनीष है जिसका डाउट है ये, हाँ एक बार क्या करो आप, ये x की वैल्यू 2/5 रूट में माइनस 2/5 ये दोनों यहां पुट करो इस फंक्शन में, और इसको पुट करके आप चेक करना है बस पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बस यही डिसाइड करना है, क्या आएगी मतलब नहीं, मेन है पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, ये डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिसाइड करना है। तो उससे ग्राफ का एक आइडिया मिल जाएगा मुझे,
बताओ बाकी जिन लोगों ने कर रखा है पहले बताओ क्या आएगा। सर पॉजिटिव आ रहा है। कहाँ पे? दोनों पे? यस सर। तो दोनों पे पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो पॉजिटिव आई का मतलब इसकी वैल्यू यहाँ होगी, मान लो इसकी वैल्यू यहाँ होगी। जैसे होगा क्या, देखो अब ये और डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो x को जब माइनस इनफिनिटी लोगे तो ये माइनस इनफिनिटी पे जाएगी, तो ये फंक्शन क्या है, माइनस इनफिनिटी से इस पॉइंट तक इंक्रीजिंग है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग रहा होगा, मान लो वैल्यू जो भी है, मान लो ये वैल्यू है चलो। तो अभी क्या होगा कि फंक्शन इस पॉइंट से यहां तक इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिक्रीजिंग है। अगर जीरो पे क्या वैल्यू है, जीरो पे रहेगी वन, तो मान लो वन यहाँ पे है, तो इस तरीके से कि मान लो इस तरीके से डिक्रीजिंग है, यहां तक डिक्रीजिंग है। अच्छा सॉरी पॉजिटिव था ना, सॉरी सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जब पॉजिटिव है, देखो अब यही डिसाइड करना है मुझे, इस पॉइंट पे जैसे आपने बताया कि वैल्यू पॉजिटिव है, मैं अभी जा रहा था नेगेटिव की तरफ, क्योंकि फंक्शन किस पॉइंट पे क्या वैल्यू लेता है, तो यहां से क्या होगा, फंक्शन ग्राफ वगैरह घटने लगेगी। तो ये मान लो इस पे मैक्सिमा यहाँ पे ना, और इसके बाद वैल्यू घटेगी, मतलब रफली समझो ना। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी फंक्शन, तो इसके बाद इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो रफली ग्राफ समझो, मतलब कहना चाह रहा हूँ इस तरह से ग्राफ बना इसका। तो बस इस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू था, तो यहां से इधर गया, फिर ये एक्स को कट नहीं किया, क्योंकि देखो ऐसे 5 डिग्री का पॉलीनोमियल है ना, तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका नेचर दो बार चेंज होगा, नेचर मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग दो ही बार चेंज हो रहा है ना। तो यहां से एक बार इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हुआ, फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये है। तो अब देख लो कितनी बार कट किया इसने, ये तो यही आंसर है। सो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसके, 1 रूट्स हैं इसमें। सो पूछा था नंबर ऑफ रियल रूट, सो नंबर ऑफ रियल रूट जो होगा वो 1 ही आएगा। चेक कर लो भाई एक बार, कहीं मिस्टेक ना किया हो। देखो पहले फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, 0 पुट किया, दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंस जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करे और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो क्रिटिकल पॉइंट आया, देखा इन क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज क्या है, जैसे बताया आपने पॉजिटिव है, तो एक्स जब माइनस इनफिनिटी जाएगी ऐसी होगी, फिर यहाँ आई, फिर इंक्रीजिंग, और चूंकि एक्स जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो फंक्शन में इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, क्योंकि और डिग्री का पॉलीनोमियल है ना, तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी होगी। तो इस तरह ये ग्राफ हो गया रफली इस फंक्शन का। तो ये एक बार ही कट कर रहा है, तो जस्ट एक ही रियल रूट इस फंक्शन के पास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रणव 3 बता रहा है, चेक कर, उसको चेक नहीं किया इसने। हाँ तो ये प्रिया के 2-3 डाउट है, और कोई है आदित्य के, तो यही लोग हैं बस डाउट में हम। ओके चलो भाई, तुम्हारा इसमें क्या डाउट है आदित्य? यूनिफॉर्म माइनस सीधा थीटा है, तो UMU पूछ रहा है थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? कंप्लीट सफिशिएंट क्या आता है इसमें, यूनिफॉर्म माइनस सीधा थीटा में क्या आएगा कंप्लीट सफिशिएंट? तो पूछ रहा है कि कौन सा वाला तुम्हारा UMVUE आएगा, है ना? तो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबायस एस्टिमेटर कौन सा होगा, है ना? तो कैसे डिसाइड करोगे? एक तरीका ये है, तो nth order statistics का PDF निकाल लो और ये चेक कर लो इनमें से मीन किसका इसका इक्वल आएगा, ये भी तरीका है। तो ऑप्शन से ये चेक करने का तरीका हो गया कि लाइक या तो तुम हर ऑप्शन का मीन निकालो और उससे डिसाइड करो कि किसका आएगा, मतलब अनबायस पहले चेक कर लो, जो अनबायस नहीं होगा पक्का आउट हो जाएगा। अब मोर देन 1 अनबायस है तो फिर वेरियंस देखना पड़ेगा ना। तो दूसरा अप्रोच क्या है इसका, हमारे पास दूसरा अप्रोच है कि है ना, या तो राव ब्लैकवेल है, तो उसके लिए तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि ये वैल्यू कब आएगी, तो यूनिफॉर्म में किसी पॉइंट पे कब प्रोबेबिलिटी बनेगी। मैंने इसमें ऐसे किया था कि x यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा यूनिफॉर्म,
एक्स बाई थीटा माइनस वन टू वन हो गया, जीरो टू वन हो गया, ठीक है, और इसका एक्सपेक्टेशन वन बाई टू आएगा। लेकिन मेरा डाउट इसमें यह था कि थीटा जो है वो मैक्सिमम माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस कॉमा एक्स से टू इन्फिनिटी लेगा, तो मॉड वन एक इसमें कौन सा लेगा? मतलब थीटा की वैल्यू मतलब उस देखेंगे तो एक्स लेस देन थीटा है, यानी थीटा जो एक्स एन से बड़ा है और थीटा माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिक से भी बड़ा है, तो वहां पर सर मेरा देखो थीटा का रेंज निकालने की क्या जरूरत है, या थीटा का रेंज की जरूरत थोड़ी पड़ेगी यहाँ पे। तुम अगर मान लो तुम जैसे कह रहे हो ठीक है एक्स आई जो है यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है, तो एक्स आई अपॉन थीटा तुम्हारा यूनिफॉर्म माइनस वन वन हो जाएगा, तो क्लास में तो कौन करता है? हेलो हाँ जी हाँ, तो अभी हम क्लास में, आप कल फोन कीजिए या रात को 11 के बाद फोन कीजिए, ठीक है? तो इसका मैक्सिमम होगा वो बीटा एन कॉमा वन हो जाएगा। ओके, तो इसका तुम मॉड का nth ऑर्डर स्टैट्स बोल रहे हो, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं इसको वाई आई बोल देता हूँ तो ये बोल रहा हूँ वाई एन जो होगा, ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम ऑफ है ना एक्स आई अपॉन थीटा ये रहेगा, जहाँ आई की वैल्यू वन से एन है, इसका मॉड एक्चुअली इसका मैक्सिमम जो है, तो दिस विल बी बीटा कितना एन कॉमा वन, ठीक है? उसके बाद सो यहां से तुम अगर फाइंड करोगे तो तुम्हें इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता ना, ये वाई आई है, इसमें थीटा तो तुम्हारा फिर वो हो जाएगा ना यहां से, लेकिन तुम फाइंड क्या करना चाहते हो? मीन मैं चाहता हूँ कि जी थीटा थीटा पर वन प्लस थीटा दिया हुआ है। हाँ पहले थीटा का वो थीटा या वन बाय थीटा टाइप का कुछ एंगल भी नहीं मिल जाएगा। थीटा तो ऐसे ही बाहर निकाल सकते हो, यहाँ से भी तुम बाहर निकाल सकते हो, ये थीटा तो बाहर आ जाएगा, थीटा तो वो है ना, तो जैसे ये जो वन बाई थीटा है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई, तुम ऐसे ही बाहर कर सकते हो इसको, ये है तुम्हारे पास। पहले mod xi का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है ना, एक काम करो पहले यहां से mod xi का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 0 to 1। हां नहीं, mod xi यूनिफॉर्म कितना, mod xi xi बोलो, तो ये कोई बात, इसका नया नाम दे दो, फॉर एग्जांपल ये मैं बोल देता हूं कि तुम्हारा जो अभी yn है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, दिस इज अभी तुम्हारा है बीटा n1, राइट? तो ये इसका कुछ नया नाम दे दो, वन बाई थीटा, ये है मैक्सिमम ऑफ लेट से w है ना i, या w n बोल दो, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये है बीटा n1, और w i का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, w किसका नाम दिया मैंने, मॉड एक्स आई को नाम मैंने w रखा है, तो ये कितना है यूनिफॉर्म जीरो थीटा, तो ठीक है। लेकिन इसे तुम यहां से तुम्हें किसका मीन निकलेगा, तुम्हें मीन चाहिए उसके टर्म में ना, इतना ना करके तुम सीधा सीधा मुझे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ बताओ, ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, इसमें अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो दोनों तरफ मीन लगा दो, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जैसे मैं यहाँ से अगर लिखूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, फिर तुम्हारा यूनिफॉर्म जीरो थीटा में वो कैसे बनेगा? वो तो ठीक है, देखो यहां से वन बाई थीटा डब्ल्यू एन या वाई एन ही बोल दो, दिस इज कितना एन अपॉन एन प्लस वन, कितना होता है मीन इसका बीटा में, ठीक है ना? तो यहां से तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर, ये डब्ल्यू एन मिला, डब्ल्यू एन क्या था एक्चुअली, ये डब्ल्यू एन में बोल रहा हूँ तुम्हें, इसका नाम इसका मैंने डब्ल्यू एन कर दिया है ना, nth ऑर्डर स्टैटिस मतलब मॉड एक्स आई को डब्ल्यू आई नाम दे दिया। तो ये तुम्हारे पास है n थीटा अपॉन n प्लस वन, हाँ तुम्हारा एक्स आई तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो वैसे तो प्रॉब्लम है ना, तो इससे ना जाकर तुम यहीं से निकाल लो, यहां से क्यों, यहां से डायरेक्टली nth ऑर्डर स्टैटिस का पीडीएफ नहीं आ जाएगा यहां से। तो यहां से अगर तुम डायरेक्टली निकाल लोगे, जैसे तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहां से निकालो, तो पहले nth ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ निकाल लो उसके लिए, सो nth ऑर्डर, लेकिन ये सिर्फ nth ऑर्डर स्टैट्स में हमें आएगा, देखो मीन क्या आता है ना, क्योंकि जब तुम फैक्टराइजेशन थ्योरम इस पे लगाओगे, जैसे यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए जो आता है ना, तो यहां सम टी जो है मॉड एक्स आई का होना चाहिए ना, क्योंकि यूनिफॉर्म जीरो थीटा का जो होता है ना उसमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सफिशिएंट होता है ना, यहां तो सिर्फ nth टर्म में नहीं आएगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हैं, लेकिन फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो अप्रोच जानने के लिए। तो अगर क्या करना चाहते हो इसमें क्या करें अब, तो हमारा एम ये है वेरिएंस इसका निकालना, देखो पहली बात तो ये, अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन यहां लिखता हूं तो क्या बनेगा, ये वन अपॉन टू थीटा की पावर एन एंड एक्स आई बिटवीन माइनस थीटा प्लस थीटा है ना, तो इसे मान लो इक्वालिटी लगा दिया, तो थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई एंड माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई, तो यहां से तुम्हारा होगा थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और जो माइनस थीटा है लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसको ठीक से सिंपलीफाई करो तो थीटा का रेंज आ गया कितना, थीटा तुम्हारा यहां से आएगा मोर देन दिस, और यहां से थीटा हो जाएगा मोर देन इक्वल टू माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये आएगा तुम्हारे पास nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो कहने का मतलब ये, जब तुम फैक्टराइजेशन थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जब तुम फैक्टराइजेशन थ्योरम लिखोगे तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन कुछ ऐसा है, इट इज 1 by 2 थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इस तरीके से, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है कि थीटा के साथ जो भी फंक्शन ऑफ एक्स आई है, तो यहाँ पे तो ये तुम्हारा मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज जॉइंटली सफिशियंट, तो क्या ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसका डायमेंशन 2 है और हमारे पास एक ही पैरामीटर है सिंगल, तो कंप्लीट तो नहीं होगा ये, लेकिन सिर्फ एक्स एन के बारे में सोच सकते हो, तो एक्स एन के लिए तुम्हें फिर एक्स एन को अलग से चेक करना पड़ेगा कंप्लीट है कि नहीं, तो उसके लिए वो तो डेफिनेशन लगाना पड़ेगा,
इनेक्शन तो कंप्लीट होगा ही नहीं, कंप्लीट होगा यहाँ पे आ रही हो भी आवाज है, मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं है, सिर्फ सफिशिएंट है, तो फिर वो चरम से हमारी उम्र को निकाल के निकालेंगे। हाँ म्यूटेशन ले ले होगा ही नहीं। तो मतलब ये क्वेश्चन जो लोग इधर उधर करके कुछ बना देते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी क्वेश्चन करेक्ट ही है। जैसे जो बहुत हाई लेवल की बुक्स मान लो जैसे कैसेला बर्गर रोहित की, उन सब बुक्स में ठीक क्वेश्चन है। ये क्या है, जो भी किसी कोचिंग का मटेरियल क्या है हमारी, जैसे कोई बना रहा मतलब नॉर्मली इसमें जो बनाते हैं वो बी एस सी एम एस सी कर रहा होता है वही लोग हैं, तो उसको कुछ चेंज करके बना देता है समाउ। बट ऐसा है कि इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास कम जॉइंटली सफिशियंट है, बट ये कम्प्लीट तो हो ही नहीं सकता, नॉट कम्प्लीट। और अकेला वो सफिशियंट भी नहीं है, जो एनथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो अकेला सफिशियंट भी नहीं होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली, ये है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म जीरो थीटा में होता है। बट वहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई करता वो कि अगर टी जो है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स वन मॉड एक्स टू मॉड एक्स आई कर दे तो यूनिफॉर्म जीरो थीटा हो जाएगा, तो उसके जैसे कुछ मिल सकता है, ये है। तो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है ना, अदरवाइज मुश्किल होगा। यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए ट्राई कर सकते हो तुम इसको, यूनिफॉर्म जीरो थीटा करके फिर ट्राई करो। माइनस थीटा थीटा में तो ये एनथ ऑर्डर स्टैटिसटिक्स सफिशिएंट ही नहीं है, इवन कंप्लीट भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अभी मैं बाकी लोगों का क्वेश्चन देखता हूँ जो ये प्रिया ने भेजा हुआ है। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, हाँ जी प्रिया, इसमें क्या डाउट है आपको, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये एक्स वाई जॉइंट दे रखा है, व्हाट इज अ कोवेरिएंस। हाँ टेन, हाँ टेन, तो रेंज कैसे लेंगे तुम, अरे भैया तुम, तुम्हें किसका रेंज निकालना है बताओ, जब मार्जिनल निकालना आता है तुम्हें। तो ये इलिप्स है ना, तो इलिप्स में तुम देखो एक्स का रेंज कहां से कहां तक होगा, अगर वाई को तुम हटा दो यहां से तो एक्स स्क्वायर बाई फोर लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगी, तो एक्स की रेंज क्या होगी, जीरो से क्या होगा, ये माइनस टू से टू नहीं होगा। तुम ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन, ये किसका ग्राफ है, किसका इक्वेशन है, इलिप्स का। तो इलिप्स का ग्राफ बना के देख लो ना कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, फिर ऐसे ही एफ वाई ऑफ वाई निकालोगे तो ये देखो वाई एक्सिस कहां से कहां तक जा रही है, तो इस तरह ग्राफ बना के देखो, वैसे भी दिख जाएगा, मगर तुम जब प्रोजेक्शन लेते हो तो वाई को गायब कर दो, वाई को हटा दो यहां से, x square by 4 less than equal to 1, तो x square की value less than equal to 4, तो x mod x less than 2, फिर वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया वैसे ही करो, ये continuous के लिए है। थर्टीन नंबर क्या है, थर्टीन नंबर में कि x represent the number of ones and y represent the number of fives in the three tosses of a fair six-sided die, ठीक है? तो what is the correlation between x y? वैसे ही है। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? x number of ones है। नंबर ऑफ फाइव्स है, कितने टॉस किए तुमने, थ्री टॉस किए, तो टोटल टॉस थ्री हुआ, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ वंस कितनी बार वन आ सकता है, तो ये बाइनोमियल थ्री कॉमा वन बाई सिक्स, ये भी बाइनोमियल थ्री कॉमा वन बाई सिक्स। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब कोरिलेशन निकालना है, अब ये क्या है, वो इंडिपेंडेंट होगा एक्चुअली यहाँ पे, एक मिनट
सिग्मा टॉस क्या इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा ना, क्योंकि x नंबर ऑफ 1 से y नंबर ऑफ 5 है, तो x प्लस y तो हमेशा क्या रहेगा, नहीं जरूरी नहीं कुछ भी हो सकता है। तो बट ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। अच्छा मुझे लगता है अलग से ठीक है, एक्स वाई का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये होगा ट्राइनोमियल 3, 1/6, 1/6। देखो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा, तो यहां से यूज करो इसका जो ज्वाइंट होगा 3 × x·y·3 − x − y·, एंड 1/6 की पावर x, 1/6 की पावर y, 4/6 की पावर 3 − x − y, ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये ज्वाइंट है, मार्जिनल ये है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लो तीनों बार 1 आ गया तो 0 टाइम 5 आएगा, तो वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर तीनों बार मान लो मान लिया 1 आ गया तो ये 5 फिर 0 टाइम ही होगा, तो वो डिपेंड कर रहा है उस पे, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें ट्राई करो फाइंड करो, तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोवेरियंस का डायरेक्टली फॉर्मूला है, चेक कर लो तो उससे आ जाएगा। ये मल्टीनोमियल है, बस उसके बाद 3 आ गया, तो इससे हो जाएगा ठीक है। हाँ जी पार्था, अभी नींद खुला है, तो इसको क्या दिक्कत है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है पार्था ने, थर्ड क्वेश्चन जो है इसका कि भाई 2n·2 − 1 − 1 1 − x² / n, यही है भाई। तो एक काम करो, पहले तो n के चक्कर में मत पड़ो, n कुछ अज्यूम कर दो ठीक है ना। तो सबसे आसान बनता है n को 1 लेना, लेकिन 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इवन फोर्थ ऑप्शन, सब सेम आंसर देगा। अगर n को मैं 1 रख दिया तो चारों ऑप्शन सेम आंसर देगा। तो 2 रखने पे क्या होगा, 2 रखने पे, अच्छा नहीं थोड़ा सा अलग होगा, बी में फैक्टोरियल है, तो बी वाला ए बी में फैक्टोरियल है, बी एम बी सी में नहीं है ठीक है। एन को तुम चाहो तो पहले 1 रख के आउट हो जाएगा कुछ ऑप्शंस। देखो मैं अगर एन को जस्ट 1 रख दूं तो आप लोग बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट एन को मैं 1 रख देता हूं ठीक है, तो एन को 1 रखूंगा, 2 × 2, 2 × 4 एंड 1·1, फिर ये चूंकि इवन इंटीग्रल है, 2 × 0 − 1 − x²dx, मैंने क्या किया है, n को 1 रखा है, अभी इसको सिंपलीफाई करो, तो दोनों 4 कट गया, इसका आंसर क्या आएगा भाई, टू बाई थ्री। अब आप क्या कीजिए, ऑप्शंस में n को 1 रखिए, देखिए कौन कौन सा 2/3 नहीं दे रहा है, वो पक्का बाहर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में n को 1 रखने पे आएगा 2 × 2 + 1 = 3 × 6, तो ये 1/3 देगा, 1/3 देगा ना आंसर, ये आउट हो गया, पहला ऑप्शन आउट। बी n ये आएगा 2/, ये भी सेम ही अलग देगा है ना, 2 + 1 = 3 × 6, तो ये भी 1/3, ये भी आउट। सी ऑप्शन देखो, सी में क्या, n को 1 रखो, तो n को 1 रखोगे तो 2 × 1·2 और 2/6, ये भी आ रहा है क्या, चेक कीजिए, तो ये 1/3 आ रहा है, तो ये भी आउट। एंड डी ऑप्शन, n को 1 रखिए, 2 × 2 और एक मिनट मैं गलत लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल नहीं था यहाँ पे, कितना आ रहा है, अच्छा 2/3 ना, हाँ क्योंकि फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे, तो 2 × 1 और बाई 3, और डी में क्या आएगा, हाँ तो अभी क्या हो गया, जैसे इस तरह केस जब आए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं दोनों सही है, क्योंकि हम एग्जांपल से कर रहे थे, एग्जांपल डिस्कार्ड करेगा, तो अगला मेन की जगह 2 रख देते हैं, फिर उससे चेक कर लेंगे, देख ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होगा कि सेम ही आएगा, यहाँ चूंकि 1 रखने पे सेम आया है ना, तो अब क्या करना है, या तो सी या डी ट्रू, ये भी बाहर हो चुका है, तो एन को 2 रख के आंसर निकाल लो,
इसी इंटीग्रल को टू के लिए सॉल्व करो, फिर इनमें से एक खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। हांजी भाई पढ़ता है यहाँ पे क्लास में? एंट्रेंस में यही करना, जनरल करोगे तो घंटों लग जाएंगे, है ना, एक क्वेश्चन 20 मिनट चला जाएगा तो भी आंसर पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो एंट्रेंस का यही तरीका होता है कि यू ट्राई टू सॉल्व इजी वे, आप वहां कॉम्प्लिकेटेड मत करो क्वेश्चन को एग्जाम में, है ना, ये चीज है। सो अभी ऐसा वन पुट किया, दो ऑप्शन बाहर हो गया, अब टू पुट करो तो ये आसान है ना, एन के लिए तुम उतना सब्स्टिट्यूट करोगे वो करोगे। हाँ बोलो भाई मधु। हाँ उसे भी कर सकते, देखो अब जो कह रहा है वो कि नहीं हो रहा है, मान लो तुम क्या करो इसमें x स्क्वायर को क्या t लेने में नहीं हो रहा है, ये बन जाएगा बीटा में, पहले टू टाइम कर दो इसको, अगर जनरल सॉल्व करूं तो जनरल क्या होगा, ये 2n फैक्टोरियल 2 की पावर 2n n फैक्टोरियल 2 टाइम 0 टू 1 1 माइनस t इसकी पावर n, मैं x स्क्वायर को t रख रहा हूं, ठीक है, तो dx क्या होगा, so 2x dx is dt, तो dx is dt upon 2, मतलब dx is dt upon 2x, 2 और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू root t, root under t, चेक कर लो, तो यहां से क्या प्रॉब्लम है, 2n factorial 2 की पावर 2n n factorial into में 2 है रहे दो, और 0 अच्छा t क्या होगा, तो x जब 0 से 1 में था तो t भी 0 से 1 में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, एंड अब ये क्या बन गया, ये 2 काट दो, ये 2 और ये 2 काट दो, इसको कंपेयर कर लो बीटा से, क्या होगा, अच्छा n माइनस वन n के प्लेस में क्या है, सो यहां पे ये हो गया बीटा फर्स्ट काइंड ना, कितना 1/2, एक मिनट क्या होगा, ये 1 - 1/2 ना, और 1/2 n प्लस 1, ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए तो ठीक है ना, अब मान लो यहां n के लिए इतना सारा कैलकुलेशन करोगे, क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हें ऑप्शन में भी एन है क्वेश्चन में भी एन है, यहाँ सब्जेक्टिव थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं हम, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता तब तुम्हें दिखाना है तुम्हारा आंसर, अभी तो यहाँ चार में से एक चुनना है, तो तीन ऑप्शन को आउट कर दो चौथा वाला करेक्ट होगा, अब ये फिर एन के लिए खोलोगे गामा 2 गामा एन प्लस 1 गामा एन प्लस 1 प्लस 2 फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, क्यों इतना करना चाहते हो, एन को पुट कर लो ना, मान लो 1 रखा था मैंने तो 1 के लिए क्या हुआ कि ए भी आउट हो गया सी डी होगा, अब एन को 2 रख लो यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करो, ये यहीं से कर सकते थे, तो n को 2 रख के इसी को सिंप्लीफाई कर लो और देख लो किस ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा, वही काफी है, तो क्यों इतना कैलकुलेशन करना है कि मुझे उसको कॉम्प्लिकेट, मतलब इतना क्यों टाइम किल करना है एग्जाम में, टाइम किल मत करो एग्जाम में, एग्जाम में शॉर्टकट देखो जो मिल सकता है, लाइक जो भी n वाला क्वेश्चन हो तो 2-3 वैल्यू पुट करोगे बाकी ऑप्शन आउट हो जाएंगे, एक ही जो ट्रू होगा वही हर बार ट्रू आएगा, ये है, टू पुट कर लो इसको, मैच कर लो इसको, फिर ऑप्शन से मैच कर लो, क्यों तुम चाहते हो, तुम जैम और गेट सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी है, तुम बीएससी थोड़ी कर रहे हो, बीएससी और एमएससी किया ना कॉलेज में, यहाँ भी जैम में भी बीएससी की तरह तैयारी करोगे, एंट्रेंस का अप्रोच अलग होता है एकेडमिक अप्रोच से, वही तुम्हें सीखना है एक्चुअली, ठीक है भाई पार्था, ये सॉल्व कर पाओगे टू के लिए या करूँ आगे मैं, अच्छा तो सिंपली आप है ना, ए, जो आंसर यहाँ आया देखो ऑप्शन के साथ एन को टू रखने पे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो सी बाहर हो जाएगा डी हो गया, ठीक है,
ठीक है, अभी लाउड क्लास ये स्टॉप करते हैं, 7 to 9 बैच स्टार्ट करते हैं। चलो थैंक यू।